दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो और उसे भारत ही जीते तो वीडियो को लाइक करना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बांग्लादेश को रौंद कर सीधा सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगी अब पाकिस्तान की टीम। आखिरकार कैसे बांग्लादेश की टीम को हराकर कैसे सबको हिला कर रख दिया है और क्या वाकई में अब भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं, आखिरकार क्या क्या बदलाव हो गए, आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सेमीफाइनल में भी अगर भारत पाकिस्तान हुआ तो कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार लगातार हार रही पाकिस्तान की टीम ने अपने मुकद्दर को बदलकर एक ऐसी जीत लिख दी है जिसके बाद उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की बातें होने लगी हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का ये 31वां मुकाबला था, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेला गया। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये सब सोच रहे हैं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी नीचे है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो लगातार भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से हार करा रही है, उन्होंने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया है ना कि सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी, दरअसल में टॉस जीते थे वही और टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी चुन ली, लेकिन वो ये भूल गए कि ईडन गार्डन्स के मैदान की पिच थोड़ी धीमी रहती है, गेंदबाजों को अच्छी खासी बढ़त मिल जाती है, जिसके चलते पाकिस्तान की गेंदबाजी का सिक्का अगर आज चल गया तो बांग्लादेश को पानी मांगना मुश्किल हो जाएगा। और आज बिल्कुल दोस्तों वैसा ही हुआ। शाहिन शाह अफरीदी ने ना पहले ओवर की 5वीं गेंद पर तंजिद हसन को 0 पर आउट कर दिया था। जरा सोचिए 0 पर पहला विकेट गिर जाए, वनडे मैच में तो टीम कोई सी भी हो प्रेशर तो बनेगा ही। इसके बाद लिटन दास ने 45 जरूर बनाए, लेकिन शैंतो के 4 रन और 5 रन मुशफिकुर रहीम के आए। महमूदुल्लाह 56 रन बनाकर गए तो शाकिब के 43 रन, मतलब कि सभी खिलाड़ियों ने केवल एवरेज बैटिंग करी, जिसके चलते दोस्तों ये टीम 204 पर ऑल आउट हो गई थी। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए अगर आप 205 रन देंगे तो शायद ये टीम अभी इतनी भी गई गुजरी नहीं हुई है कि इसे चेज ना कर पाए। दोस्तों शुरुआत बड़ी सॉलिड थी इस टीम की, फखर जमान ने 31 रन बनाए तो वहीं शफीक भी 26 रन बना चुके थे। कहने का तात्पर्य ये है कि टीम 10 ओवर में 60 के पार थी भाई, हर हाल में जीतना जो था। लेकिन ना अब केवल जीत और हार मैटर नहीं करते दोस्तों, वर्ल्ड कप में जीतना तो आपको है ही है, नो डाउट, लेकिन अब नेट रन रेट का गेम आ चुका है और पाकिस्तान ने आगे चलकर इस मैच को ऐसे जीता कि दोस्तों नेट रन रेट्स की गेम में ना एक लंबी छलांग मार दी है इन्होंने। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ियों ने आकर 1-2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला और बाबर ने विनिंग रन लगाकर अपनी टीम को मैच में विजयी बना दिया। पाकिस्तान की टीम तो जीत गई है, लेकिन अब इससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के पहुंचने के गणित पर क्या असर पड़ा है, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए इस मैच से पहले ना पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर थी इस बार के वर्ल्ड कप में, और क्योंकि उन्होंने हरा दिया है इनको तो उनके अंक हो गए हैं 6, यानी कि अफगानिस्तान से वो कंधे से कंधा मिलाकर अब खड़े हैं। ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी जीत थी और ऊपर से पहले से ही उनका नेट रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर था, तो उनका नेट रन रेट अब पॉजिटिव में ऑलमोस्ट आ चुका है और अफगानिस्तान व श्रीलंका दोनों से उनकी हालत अभी भी बेहतर है। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान के अंक अफगानिस्तान के बराबर और नेट रन रेट उनसे ज्यादा अच्छा है। और श्रीलंका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, इंग्लैंड को तो आप भूल ही जाइए, उनसे पाकिस्तान काफी आगे है, जिसके चलते पॉइंट टेबल में इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन बात करें इनके सेमीफाइनल में पहुंचने की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर टीम के 9 मैच हैं और इस टीम के अभी 2 मैच और बचे हैं, यानी कि दोस्तों हर हाल में पाकिस्तान को वो 2 मैचेस तो जीत रही है, लेकिन एक और कंडीशन है जो इन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचाएगी। देखिए न्यूजीलैंड को ना सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारना होगा, बल्कि उन्हें तो आगे चलकर अब श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों से हारना होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बांग्लादेश से अपने मैच को हारना पड़ेगा और अफगानिस्तान से भी। देखिए सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और अटपटा भी, लेकिन अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर और अफ्रीकी टीम की दहाड़ को देखकर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है इस बार के विश्व कप में। और यदि ऐसा हो जाता है, पाकिस्तान सारे मैच बड़े अंतर से जीत जाता है और नेट रन रेट पर गेम फंसता है, तो शायद भारत के साथ सेमीफाइनल में हमें पाकिस्तान नजर आ सकता है। 100% इस बात में कोई शक ही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान की जीत ने एक बार फिर से आग लगा दी है वर्ल्ड कप में। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा, हाँ या ना, और होगा भी तो कौन जीतेगा? जवाब नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।